हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिम में जो हम स्पेसर बार देते हैं वो स्पेसर बार कहाँ पे दिया जाता है और उसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बिम दिखाता हूँ जिसमें स्पेसर बार दिया हुआ है। और वो बिम में देखिए स्पेसर बार को कहाँ पर डाला है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा स्पेसर बार। ये देखिए ये टॉप एनफोर्समेंट है। टॉप एनफोर्समेंट का ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है। इस दो लेयर को पार्टिशिएट किया है, अलग अलग किया है, सेपरेट किया है, देखिए इसके इस स्पेसर बार से। और इस स्पेसर बार को क्यों दिए हैं हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली जब कास्टिंग होती है तब जो हम लोग एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम जो होता है वो 20 mm का एग्रीगेट का होता है, राइट। तो जब हम लोग कास्टिंग करेंगे, कॉन्क्रीटिंग करेंगे, तब क्या होता है यहाँ पे कॉन्क्रीट घुस नहीं पाता और यहाँ पे खाली वॉइड रह जाता है, राइट। तो उसी वॉइड को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ताकि आपको वॉइड ना रह जाए और अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट इसके अंदर जा सके इस गैप के अंदर में, इसी के लिए हम लोग ये वाला स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जबकि हम आपको बताएं कि एग्रीगेट का साइज होता है 20 mm, इसलिए ये जो स्पेसर बार का डाया है ये 20 mm है। ये 20 mm का हम लोग क्या करते हैं, छोटा कट पीस काट के हम लोग दो लेयर को सेपरेट करते हैं और इसके बीच में ये डालते हैं। अब क्या होगा, जब आप कास्टिंग करेंगे और जब वाइब्रेटर से वाइब्रेशन कॉम्पैक्ट करेंगे आप, तब क्या होगा कि ये सारा लेयर अच्छे से भर जाएगा और कोई भी वॉइड यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हो ये है मेरा स्पेसर बार, ये है मेरा स्पेसर बार। ठीक है, इसका साइज आप कैसे करोगे, बिम का जो विथ होता है, विथ से आप क्या करोगे, जो क्लियर कवर होगा वो माइनस कर दीजिएगा, माइनस करके 10 mm एटलीस्ट बढ़ा दीजिएगा। सपोज देखिए 200 mm का आपका ये, सपोज बिम का जो विथ है वो 200 mm है। ठीक है, आप मान लीजिए इतना 200 mm है, तो उससे आप बोथ साइड क्या कीजिए, क्लियर कवर को माइनस कीजिए, प्लस 10 mm और ऐड कर दीजिए। ठीक है, 10 mm 20 mm ऐड कर दीजिए, उतना ऐड करके इसको डाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्पेसर बार के बारे में समझ में आया होगा, स्पेसर बार क्या होता है और कहाँ पे उसे प्रोवाइड करते हैं। मैं और भी पोजिशन आपको दिखाता हूँ, जैसे आप नीचे आकर देखोगे, ये देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, ये देख रहे बॉटम का स्टील है, बॉटम का ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, और ये देखिए बीच में स्पेसर बार को प्रोवाइड किया गया है, समझ गए। और ये 20 mm का एटलीस्ट डालना पड़ता है क्योंकि आपका मैक्सिमम साइज एग्रीगेट 20 mm तो होता ही है। ठीक है, तो देख लीजिए स्पेसर बार और स्पेसर बार का फंक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी रह गया है, तो आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। देखिए यहाँ पे फिर से डाला हुआ है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नीचे डाला हुआ है, राइट। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।